अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अपनी नंबर फोर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं आज का जो हमारा एजेंडा है वो पहले हम देख लेंगे वो क्या है। आज हम सीखेंगे कि एम के डी आई आर एंड आर एम डी आई आर ये क्या कमांड है, इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, और इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था कि मैंने फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप है द लर्निंग ट्री के नेम से। इस नेम से आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आपने मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी मेरी न्यू वीडियो होगी या जो भी इंफॉर्मेटिक चीज़ मैं उसमें अपलोड करता रहूँगा रिलेटेड टू अपनी रिलेटेड टू फील्ड एंड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं इंशाल्लाह उसमें शेयर करता रहूँगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर आज ही से इस नेम से लिंक है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स। आज आए हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। हाँ, देखें एक्चुअली हमारा जो कर्सर है वो एम में पॉइंट कर रहा है। इसकी हम पहले डायरेक्टरी में आपको चेक करा देता हूँ। देखें ये इसके अंदर फोल्डर ऑलरेडी हैं। और एम के डी आई आर जो कमांड है इसका मतलब है मेक, एम के मीन मेक, डी आई आर मीन डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी बना दो मेरी। इन जो ये जो डायरेक्टरी ऑलरेडी मौजूद हैं इनके अंदर कोई ना कोई आप चाहते हो कि इस लोकेशन के अंदर, ये लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर आप चाहते हो कि मेरी कोई न्यू डायरेक्टरी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, मेक डी आई आर लिखेंगे। मेक डी आई आर मैं लिखता हूँ कि नवीद, ये देखें। अब मैं इसे अगेन चेक करता हूँ और ये देखें ये न्यू नवीद आ गया। आगे नहीं आ रहा था, अब आ गया, क्योंकि हमने एक डायरेक्टरी न्यू बना ली है और उसने ये बता भी दिया है वैल्यू में रहा फिर राजपूत, ये सारी डिटेल आपको ये डिस्प्ले भी कर रहा है। और उसके साथ अब मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर मैंने जाने का जो अपनी डायरेक्टरी में जाने के लिए सीडी कमांड यूज़ करते हैं मैंने पहले बता दिया, जिनको नहीं पता होगा प्राइमरी मेनू में जो मेरे पिछले वाले वीडियोस हैं वो भी देखें सीक्वेंस के साथ, ताकि आपको समझ आए। हमारा मकसद तो समझना है ना, तो आगे हम चलते हैं कि सीडी मैं चाहता हूँ कि जो हमने अभी डायरेक्टरी बनाई है इसे खोलूँ। एन ए वी डबल डी नवीद, जैसे मैंने एन ए वी डी नवीद खोला, ये देखें इसके अंदर ये हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं एंटर हिट करता हूँ, ये देखें इसके अंदर ये जीरो बाइट्स मीन ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है या कोई भी ऐसा कोई डाटा नहीं है, और ये कब बना है ये सारी डिटेल देखें, ये अभी देर है, तो 2:49 पर ये बना है, 2:50 हुए हैं, ये सारी डिटेल यानी कि अभी ये मेंशन कर रहा है इसके साथ। और अगर हम इसे देखें मज़ीद, तो इसके अंदर हम अब एक फ़ोल्डर हमने नवीद बनाया, उसके अंदर हम कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं वो भी हम बना सकते हैं। कैसे, आप सिंपल एम के डी आई आर लिखें, आप क्योंकि लोकेशन आपकी चेंज हो चुकी है इसलिए इसके अंदर जाके बनेगा फोल्डर, उसके अंदर आप लिख दें टेस्ट, लिख दें टेस्ट। अब ये इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन चुके हैं, अब देखेंगे कैसे डी आई आर, ये देखें टेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसको ज़्यादा आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको ग्राफिक पे ले जाता हूँ, ये देखें ई में आ जाएँ, सॉरी एम में हम काम कर रहे थे, एम में नवीद, और नवीद के अंदर ये देखें हमें भी टेस्ट फोल्डर क्रिएट किया है। सो ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमने फ़ोल्डर बनाए हैं इसे डिलीट करें, इसे रिमूव करें, तो आप क्या कमांड यूज़ करेंगे, आर एम मीन रिमूव डी आई आर डायरेक्टरी, आगे वो नेम लिख दो, उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी होगी वो सारी चेंज हो जाएगी। मीन कि अब हम नवीद के अंदर पॉइंट कर रहे हैं तो टेस्ट लिख दें, नवीद के अंदर जितनी जो टेस्ट आपकी डायरेक्टरी है उसे डिलीट कर देगा, डिलीट होगी। उसके बाद आप सी डी करें, वापस आ जाएँ अपने इसके अंदर, अब एफ के अंदर आपका कोई नवीद पॉइंट कर रहा था, हम उसे क्या करेंगे, उसे डल करना चाहते हैं, आर एम डी आई आर और नवीद, वो भी रिमूव हो गया। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे, अगेन डी आई आर, देखें इसके अंदर अब कोई भी नवीद नहीं आ रहा, जब नवीद नहीं आ रहा उसके अंदर जो हमने सब फोल्डर बनाया था वो भी नहीं आएगा। उसके लिए हम मज़ीद देखने के लिए आप देख लें इधर एफ में थे हम, इसके देखें कोई भी जो नवीद नहीं हुआ कोई या टेस्ट नहीं हुआ कोई भी फोल्डर अब मज़ीद नहीं रहा। तो आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद से आपको समझ आई होगी, और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है वो मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, मुझसे जो नीचे कमेंट किया करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और उसके बाद मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट।